विद्यालयों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी या तो 9th 10th में हैं, 11th 12th में हैं, सभी के अभिभावकों से हम लोगों ने ये शपथ पत्र लिया है कि बच्चे जो है किसी भी प्रकार से दोपहिया वाहन से चला करके नहीं आएंगे और विदाउट हेलमेट ट्रिपल लोडिंग इत्यादि नहीं करेंगे। तो इसमें जो है जिम्मेवारी सभी की बनती है, स्कूल्स की भी, स्कूल मैनेजमेंट की भी और गार्जियन की भी, दोनों मिल करके अगर स्कूल भी स्कूल बसें चलाएं और गार्जियन भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें तो यह जो है एक अच्छा रास्ता होगा इस चीज़ के लिए। स्कूल चूँकि वो मेंटेन कर सकते हैं, उनके पास 2000-3000 बच्चे हैं, तो वो जो है अगर कुछ बच्चे दूर से आते हैं या फिर जो जिनको आवश्यकता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की, उसके लिए उनको चलाना चाहिए। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए कि हम सबके बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जमशेदपुर के ज़्यादातर जो स्कूल हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट की अपनी, जो बड़े स्कूल हैं उनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो गतिविधियाँ की जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा कहीं अगर चूक होता है तो स्कूलों के समय आप देखते होंगे कि किस तरह का माहौल होता है और वहाँ पर किस तरह की गैदरिंग होती है। सारी एक बेटी बच्चों को ड्रॉप करने से और उठाने तक सड़क पर ही होता है। स्कूलों के द्वारा कोई ऐसी पार्किंग की बड़ी व्यवस्था नहीं है, ना उनके अपने कोई बस है, तो सब कुछ सड़क पर ही होता है। पेरेंट्स सड़क के बीच में बच्चों को ड्रॉप करके उनकी जानी मजबूरी होती है और उठाना भी सड़क पर ही होता, वैसे में बच्चों के लिए भी खतरा होता है और ट्रैफिक के लिए तो है ही उस समय, जो इसलिए कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस समय पूरी तरीके से ट्रेल और ठप पड़ जाती है। और ज़्यादातर स्कूल शहर के मुख्य सड़क पर हैं, मार्ग से जुड़े हुए हैं। वैसे में हम सवाल पूछेंगे, अभी हम जिला परिवहन पदाधिकारी के पास हैं सर, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि जो स्कूल हैं वो अपना ट्रांसपोर्ट व्यवस्था यहाँ नहीं लागू कर पाते हैं, और वैसे में सड़क सुरक्षा और सेफ्टी का क्या होगा जब बच्चों का जान खतरे में रहता है। कई घटनाएं भी हो गई हैं, कई तरह की हुई हैं, आपने देखा है सुना है, बताने की ज़रूरत नहीं है किस किस तरह की। तो अब सीधे सर से सवाल हमारा रहेगा। सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। मेरा सवाल वही है जो हमने अभी बात कहा, आपने सुन लिया, सड़क सुरक्षा का फिर क्या होगा जब बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, सड़क सुरक्षा के लिए हम लोग जो है प्रत्येक विद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन करने के लिए डीओ साहब को निर्देश दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है जो भी सभी विद्यालयों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी या तो 9th 10th में हैं, 11th 12th में हैं, सभी के अभिभावकों से हम लोगों ने ये शपथ पत्र लिया है कि बच्चे जो है किसी भी प्रकार से दोपहिया वाहन से चला करके नहीं आएंगे और विदाउट हेलमेट ट्रिपल लोडिंग इत्यादि नहीं करेंगे, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। तो हम लोग इन सब को लागू कराने के प्रयास में हैं, परंतु जिस मुद्दे को आपने उठाया कि स्कूल बस और ये सब जो प्रमुख स्कूल में जो है कम चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ पे अभाव है, तो इसके लिए जो है हम, जैसा कि आपने ही बताया कि हम लोगों ने पहले 2-3 साल पहले प्रयास किया था, कुछ स्कूलों ने ट्रांसपोर्टिंग स्टार्ट भी की थी। अभी भी जो भी आउटस्कर्ट में जो भी स्कूल्स हैं उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसें हैं। तो इसके संबंध में मुझे कहना है कि जो भी स्कूल है उनको CBSE गाइडलाइन के आधार पर जो है मान्यता मिला हुआ है, और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सड़क सुरक्षा, बच्चों की सेफ्टी जो है प्रायोरिटी में होनी चाहिए। इसके लिए विद्यालयों को अगर स्कूल बसें चलाने की आवश्यकता है और इस तरह के जो छुट्टी के समय या स्कूल प्रारंभ के समय, मतलब सुबह को जो है जो सड़क की स्थिति जो रहती है, ट्रैफिक की स्थिति जो रहती है, उससे बचने के लिए जो है स्कूल बसें चलाने की आवश्यकता है तो वो चलाएं। और स्कूल चूँकि वो मेंटेन कर सकते हैं, उनके पास 2000-3000 बच्चे हैं,
तो वो जो है अगर कुछ बच्चे दूर से आते हैं या फिर जो जिनको आवश्यकता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की, उसके लिए उनको चलाना चाहिए बस, ताकि जो है इस तरह की समस्याओं से हम लोग बच सकें। और इससे जो है जैसे ऑटोज़ या फिर वैन में बच्चे आते हैं तो वो भी कितना सुरक्षित है सर, वो भी जो है जो ये टेंडेंसी है वो भी घटेगा अगर स्कूल बसें चलेंगी। और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह के जैसे ट्रिपल लोडिंग या फिर विदाउट हेलमेट आप लोग पहुंचाने जाते हैं या फिर बच्चे खुद ब खुद चला करके आते हैं, तो ये भी सही नहीं है। आप लोग भी अवेयर होइए, बच्चों को भी अवेयर कराइए। अगर घर में आप संस्कार देंगे तो वही चीज़ वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के सड़क सुरक्षा के नियमों का आप जो है अपने बच्चों के साथ शेयर करें, और स्कूल ले जाने और छोड़ने के लिए के समय जो है सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। तो इसमें जो है जिम्मेवारी सभी की बनती है, स्कूल्स की भी, स्कूल मैनेजमेंट की भी और गार्जियन की भी, दोनों मिल करके अगर स्कूल भी स्कूल बसें चलाएं और गार्जियन भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें तो यह जो है एक अच्छा रास्ता होगा इस चीज़ के लिए। सर आप खुद ही समझ रहे हैं कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ावा देंगे, आज 50% बच्चे जो है वह स्कूल या तो ऑटो या वैन से जाते हैं जो, लेकिन 50% ऐसे बच्चे हैं जो अपने वाहन से पेरेंट्स ले जाना और ड्रॉप करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें सुरक्षा का उसमें उस पर उनको ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो एक मान लीजिए कि एक हज़ार अगर दो दो हज़ार एक एक स्कूल में बच्चे हैं तो उतने अगर सड़कों पर गाड़ी उस समय निकलती है तो एक तो सड़क के लिए ट्रैफिक समस्या बहुत बढ़ जाती है, भीड़। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है स्कूलों को उसके लिए कुछ ऐसी कोशिश हो, बातचीत हो कि आप करेंगे तो कम से कम ये अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है, इसलिए कि पेरेंट्स तो स्कूलों के सामने उनकी कुछ ऐसा चलता नहीं है, जो स्कूल ने नियम तय कर दिया वो पेरेंट्स मानने के लिए बाध्य हैं जो बड़े स्कूल हैं। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग जो है पेरेंट्स को भी कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों को स्कूल मत छोड़िए या फिर स्कूल जो है स्कूल से मत लाइए, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाइए या नहीं लाइए, हम लोग कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। परंतु ये ज़रूर उनको विकल्प दे सकते हैं, अवेयरनेस के लिए ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करिए। ट्रैफिक कंट्रोल की जहाँ तक बात है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार का जो है इस तरह का, जहाँ जहाँ इस तरह के मुख्य मार्ग में स्कूल है वहाँ पे हम लोग हर सड़क सुरक्षा की मीटिंग में भी यह डिस्कशन होता है कि कैसे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस दें हम लोग, और कैसे वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि ट्रैफिक की जो समस्या होती है वो समाप्त हो। तो किसी को हम लोग सड़क में आने से रोक नहीं सकते, सड़क में आएंगे, ट्रैफिक जाम जो होता है उसके समस्या के समाधान के लिए हम लोग कार्य करेंगे। सर बड़ी एक समस्या और मेरा सवाल है कि ठीक है, अगर जो वर्तमान व्यवस्था है, अगर स्कूल अभी क्यों नहीं कम से कम वो उनके स्कूलों के पास जगह है तो ड्रॉपिंग और ये करने के लिए वो व्यवस्था कर दें कि भाई सड़क पर ड्रॉप ना करो, स्कूल के कैंपस खाली रहते हैं लेकिन सब कुछ सड़क पर वो अंदर नहीं जाने दिया, तो उनके पास इतने विकल्प है तो कम से कम एक जगह तो ये कर दें कि भाई वैन वाले इस पार्किंग में आकर लगा ले, पर्सनल जो है वो वहाँ पर ही कर ले, तो सड़कों पर उस तरह का माहौल होगा और सड़क बच्चे क्रॉस करने की स्थिति नहीं हो जो 100-100 मीटर दूर जाकर। देखिए ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा बस से आ रहा है, कोई बच्चा पैदल भी आ रहा है, कोई बच्चा गार्जियन के साथ आ रहा है, तो स्कूल कैंपस में वो पैदल दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है, तो यदि वाहन को जो है स्कूल कैंपस के अंदर अनुमति दी जाए तो ये ठीक नहीं रहेगा। स्कूल कैंपस के बाहर ही एक ऐसा प्लेस जो है डिसाइड किया जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर आकर के पार्किंग करो, यहाँ बच्चों को उतारो, उसके बाद आगे बढ़ा लो। इस तरह का एक व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को करना चाहिए ताकि रोड पे भी ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब ना हो और बच्चों को भी असुविधा ना हो। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए मैं जो है प्रेरित करूंगा स्कूल्स को। सर क्या क्या इस संबंध में अगली जब बेबी बैठक हुई क्या कोई दिशा निर्देश इस पर जारी होगा, चाहे आप अपने तरफ से परिवहन विभाग की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी? ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बेतरतीब ढंग से ऑटोज़ या फिर वैन चलाते हैं उन पर कार्रवाई करें, और जो भी प्राइवेट नंबर लेकर के वैन चला रहे हैं और कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये हमारे प्रायोरिटी में है, जितने भी वैन जो है कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं परंतु प्राइवेट रजिस्ट्रेशन उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जो ट्रैफिक में जो समस्या उत्पन्न होती है ट्रैफिक कंट्रोल में, भीड़ भाड़ या फिर जो गार्जियन जो बच्चों को लेके जाते हैं तो उसमें सड़क में
आवश्यकता के अनुरूप जो है बढ़ जाती है गाड़ियों की संख्या, तो वो सब पे हम लोग जो है ट्रैफिक कंट्रोल का कार्य। लेकिन स्कूलों से सर ट्रांसपोर्ट के लिए बात नहीं होगी क्या, ऐसा निर्देश या कुछ ऐसा उनसे सलाह नहीं दी जाएगी कि कम से कम आप अपनी बस की विकल्पिक व्यवस्था कम से कम पेरेंट्स के सामने रखिए? हम लोग इस संबंध में पहले भी बात किए हुए हैं, हम लोग जो है उनको प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन अभी क्या है कोविड की समस्या तो आई ही, तो हम लोग जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी स्कूल्स को ये बातें करेंगे कि यदि आप सक्षम हैं और सड़क सुरक्षा की ये समस्या हमारे पास आ रहा है, हम लोग रेगुलर इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आप बसें चलाइए, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक नॉट, अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक रखिए ताकि बच्चों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो सके और एक अच्छी व्यवस्था बाकी शहरों में अगर यहाँ भी लागू हो जाए तो जरूर इस पर हम लोग एम्फेसिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और लकी तमाम चीज़ों पर बात हुई, और जैसे कहा सर ने कि स्कूलों से बात करेंगे, लेकिन देखना है कि स्कूलों का क्या रुख रहता है, वो अपनी क्या बात रखते हैं, लेकिन तब तक जब तक स्कूल ये ना करें हमें अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और ड्रॉप करते समय उस तरह की स्थिति ना पैदा करें कि किसी भी तरह की घटना या दुर्घटना हो। अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।